माधवगंज महिला आत्महत्या मामले की जांच में जुटे एडिशनल एसपी। तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने भेजा जेल। 4 सितंबर शाम को लवी ने महिला को बहाने से घर के बाहर बुलाकर बेरहमी से पीटा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिला की पिटाई की गई। दिल दहलाने वाली ये वारदात हरदोई के माधवगंज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब हरदोई से हमारे साथ नसीम खान संवाददाता जुड़ चुके हैं। पूरी घटना की क्या जानकारी है माधवगंज थाने से, क्या वारदात हुई, उस युवती के साथ क्या हुआ? हेलो नसीम खान जी, मैं आपको बता दूं, हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हरदोई के कस्बे में, माधवगंज कस्बे में एक महिला आजाद नगर में रहती थी। उसका रोली गुप्ता नाम की महिला थी, जो कि 4 तारीख की शाम को एक युवक लवी के साथ में उसकी कहा सुनी हुई है। युवक महिला का कहना था कि युवक लवी जो है वो मेरे घर में घुसने के बाद में मेरा मोबाइल और पैसा लेकर के चला गया था, जिसको लेकर मैंने उसको फोना तो वो मुझे बहाने से बाहर बुला करके मुझे मारा पीटा, और उसके बाद में जो है महिला ने उसको उसकी तहरीर जो है थाने पहुंचकर दी, जहां पर पुलिस ने उस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन महिला का यह कहना था कि उसकी जो तहरीर है, जो वो तहरीर लेकर के थाने पहुंची थी, वहीं पे था तहरीर जो है बदलवा करके, वो तहरीर नहीं, उस तहरीर पे मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरी तहरीर लिखवा करके एसआई के द्वारा जो है तब जाके उसका मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर चेंज की गई, इसमें आला अधिकारियों का क्या कहना है इस विषय को लेकर के? जब महिला ने आत्महत्या कर ली, अपने एक पोस्ट लिखी फेसबुक पर, अपने पोस्ट लिखने के बाद में महिला ने एक पोस्ट, सारी फोटो जो उसके जिस्म पर, जो शरीर पर जो उसकी चोटें थी, उन सब की फोटो खींच करके उसने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर पोस्ट वायरल की थी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई थी कि उसके साथ में न्याय नहीं हुआ है और न्याय किया जाए। जहाँ पर महिला का उस पोस्ट में लिखा है, एक बार पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फेसबुक पर वो पोस्ट करने से जो फरियाद लगाई थी, महिला ने तो सुसाइड कर लिया, अब वहाँ का माहौल क्या है, पूरी कार्रवाई क्या है, और आरोपियों के और पुलिस को लेकर विश्वास क्या लोगों का? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से अगर बात की जाए पुलिस के ऊपर, तो यहाँ पे पुलिस के ऊपर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ पर कस्बे के कुछ नहीं, काफी लोगों के दिल में जो है पुलिस के खिलाफ जो आक्रोश है कि पुलिस ने इस तरह से अगर उसकी कार्रवाई कर दी होती अच्छी, तो आज ये महिला अपनी जान नहीं गंवाई थी। जिसको लेकर के एडिशनल एसपी पूरा दिन जांच में जुटे रहे। वहीं पे जांच कार्रवाई होने के बाद में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और आरोपी लवी व उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं पे जो है अन्य लोगों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। आईजी रेंज लखनऊ ने जो है इंस्पेक्टर माधवगंज को निलंबित कर सीओ के जांच करने की बात कही। चलिए, बहुत तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।